हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड अभी आई एम बैक विद माय वीडियो। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि न्यूट्रिएंट्स के ऊपर दो वीडियोस बनेंगी। पार्ट वन में आपको बताया गया था फैट्स, लिपिड्स एंड योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, है ना। तो अभी आज की वीडियो में जो है आपका हम वाइटमिन्स और आपका मिनरल्स कवर करेंगे। और गाइस, ये वीडियो जो है वो आपका JKSSB के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। JNK के एग्जाम्स में, ज़्यादातर जनरल साइंस के सिलेबस में, एंड नॉट इवन JNK के एग्ज़ाम बट आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी वाइटमिन्स और उसकी डेफिशिएंसी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब हर एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर वाइटमिन के ऊपर ज़रूर आएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इस वीडियो का भी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारी ऐप पे, JK एग्ज़ाम क्रैकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री जो है PDF मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को मैंने कोशिश किया गाइस, आई हैव ट्राइड कि इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में जितना भी मैं मैक्सिमम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बता सकूं उतना बता पाऊं। तो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने का कोशिश किया है, बट फिर भी मैं आपको खुद बता रहा हूं कि इसमें कुछ एक आधे पॉइंट्स रह जाएंगे जिसको कवर करने का तरीका मेरे पास है MCQs। सो नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आने वाली है इसके रिलेटेड MCQs की, ध्यान से सुनिएगा, MCQ की वीडियो इसके रिलेटेड आने वाली है। मैंने आपको बोला था कि हमारी हर वीडियो के बाद जो है उस वीडियो के रेलेवेंट MCQs की वीडियो अपलोड होगी। तो MCQs में जो टॉपिक इसमें नहीं कवर हो पाएंगे वो MCQ की फॉर्मेट में, क्वेश्चंस की फॉर्मेट में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आई होप गाइज ये आपको हेल्प करेगी। और कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेशंस दे सकते हैं अगर कुछ इसमें एडिशन की ज़रूरत है या समथिंग, या आपको कोई डाउट आता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इट्स माई गारंटी कि आई विल आंसर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, मैं पर्सनली उसको आपको आंसर कर दूंगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो की न्यूट्रेंट है हमारे पास वाइटमिन। सो वाइटमिन जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड है। प्रीवियस वीडियो में भी वाइटमिन्स का जिक्र हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने वहाँ आइडिया दिया था, बट आज इसको डिटेल में देखते हैं। दो ग्रुप्स में वाइटमिन्स डिवाइडेड है हमारे, फैट सोल्यूबल वाइटमिन एंड योर वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। जो आपका फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स है, नाम से ये फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, फैट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में फैट के साथ डिजोल्व होकर हमारी बॉडी में जहाँ फैट स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था कि फैट स्टोर कहाँ होता है, हमारी स्किन के नीचे एक टिश्यू होता है जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जहाँ पे फैट स्टोर होता है, या फिर कह लो फैटी टिश्यू। तो फैटी टिश्यूज़ या एडिपोज टिश्यू में जो है हमारा फैट स्टोर हो जाता है, और फैट्स के साथ ही हमारे फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स भी स्टोर हमारी बॉडी में हो जाते हैं। देन आता है वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स, जो पानी के साथ डिजॉल्व होते हैं, पानी के साथ मिक्स होते हैं, फैट्स के साथ मिक्स नहीं होते। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। जब हम एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो ये वाइटमिन्स भी जो है वो किडनी के ज़रिए जो है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो दो तरह के हमारे पास वाइटमिन्स है, फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। तो देखो, फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स में आपके पास कौन कौन आते हैं, वाइटमिन A, D, E एंड K। इनका फंक्शन और सोर्सेस मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, बिकॉज वहाँ पे एक दूसरा टेबल है जिसमें बहुत डिटेल में बताया है। ये जस्ट दिया था ताकि जब आपको PDF मिले तो वो टेबल काफ़ी बड़ा है, तो ये शॉर्टकट के लिए है और उस टेबल में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो मतलब ADEK, याद रखना है आपको ADEK। तो ADEK फैट सोल्यूबल वाइटमिन हैं जो फैट्स के साथ डिजोल्व हो जाते हैं। देन वाटर सोल्यूबल वाइटमिन कौन है, बी कॉम्प्लेक्स और वाइटमिन सी, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। वो दो तरह के वाइटमिन हैं हमारे पास, बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वाइटमिन बी की बहुत सारी फॉर्म्स है, B1, B5 है ना, B12 एक्सेट्रा। तो ये इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत सारे वाइटमिन बी की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट डॉक्टर्स भी देते हैं जब कोई आपको डिफिशेंसी हो एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट वाइटमिन है। वाइटमिन सी जो है आपका, जिसका दूसरा नाम है स्कॉर्बिक एसिड भी है, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। तो ये वाइटमिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, ये आपका वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व होता है। इसके बाद आ जाता है मिनरल्स। देखो, वाइटमिन्स के अलावा मिनरल्स, मिनरल्स कुछ एटम्स या केमिकल्स होते हैं
जो हमारी बॉडी में, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो अगर आप इसी वीडियो की पहली वाली वीडियो देखोगे पार्ट वन, तो उसमें मैंने जाते जाते लास्ट में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए होता है, मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए, उसमें विटामिंस भी आते हैं और मिनरल्स भी आते हैं। तो ये कुछ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें चाहिए तो है, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि सोडियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम आयोडीन, है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। और भी होते हैं बट मेनली ये सब रहते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो यही कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। चलिए जी, ये आ जाता है हमारा टेबल, और इस टेबल से हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन, हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट हम पढ़ रहे हैं, विटामिन, जिस भी विटामिन की बात कर रहे हैं, वो सोर्स उसका क्या है, वो विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, फंक्शन उस विटामिन का क्या है हमारी बॉडी में, अगर वो विटामिन हम ना लें तो हमें क्या बीमारियाँ होती हैं। एग्ज़ाम में ये डेफिशिएंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मार्केट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपके लिए ये टेबल मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा एंड बनाया, और यहाँ पे हाइलाइटेड हैं चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना भी क्वेश्चंस को ड्रिल किया है, मैंने यूपीएससी या फिर सीडीएस हो गया, सीडीएस एग्ज़ाम हो गया, या फिर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, या आपका कमांडेंट का पेपर हो गया है ना, डिफेंस के पेपर्स हो गए, तो उन सब में मैंने देखा है कि ये विटामिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने इनमें हाईलाइट उन्हीं चीज़ों को किया जिसके ऊपर ज़्यादा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अफेक्ट्स ऑफ एक्सेस इनटेक। ठीक है, अगर ये तो आ गए डेफिशिएंसी, ये पूछा भी जाता है, बट मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करवाई है, डैट इज़ योर एक्सेस इनटेक। अगर आप ये चीज़, मतलब ये विटामिन या ये चीज़ ज़्यादा ले लेते हो, कम लेते हो तो क्या होता है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट ज़्यादा लेने पे क्या हो जाएगा, वो भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा भी नहीं लेनी है कोई चीज़, बहुत कम भी नहीं लेनी है, बैलेंस में लेनी है, इसलिए बैलेंस डाइट जो है बहुत मैटर करती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, देखिए जितना मैंने बोला, मैंने इस टेबल के अंदर इतना ज़्यादा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, यहीं से सारा कवर हो जाए आपका। तो विटामिन ए जो है, इसमें इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल। दोस्तों यस, आप सोचोगे कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो है, रेटिनोल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो रेटिनोल जो है विटामिन ए का दूसरा नाम है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बिकॉज विटामिन ए, चलो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मेजर सोर्स इसका क्या, कहाँ कहाँ से विटामिन मिलता है, टमाटो, कैरेट, अंडरलाइन किया हुआ, मेनली गाजर और टमाटर खाने से आपको विटामिन ए मिलता है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ खाओ, एग, एग योक्स, फिश, फिश लिवर ऑयल, ठीक है, इन सब से विटामिन ए मिलता है। फंक्शंस इसके क्या है, विटामिन ए आपको विजन में मदद करता है, मतलब आपकी आईसाइट को अच्छा हेल्दी रखने में, आपको देखने में मदद करवाता है। क्यों? बिकॉज आपकी जो आँख है ना, आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में एक पर्दा होता है जिसको हम आम भाषा में पर्दा कहते हैं, आँख के पीछे एक पर्दा होता है, आँख का पर्दा जिससे आप देख पाते हो, उस पर्दे को साइंस में कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। तो उस रेटिना में एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है रोडोप्सिन। क्या होता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन केमिकल, इसको लाइट एब्जॉर्बिंग केमिकल कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल जो आपकी आंखों में लाइट आती है ना, तो लाइट आती है तभी आप चीजें देख पाते हो, तो वो जो लाइट आती है ना आपकी आंखों में, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम ये केमिकल करता है, रोडोप्सिन। तो इमेजिन करो कि रोडोप्सिन ना हो तो आप देख नहीं पाओगे तो, है ना, विजन नहीं होगी। तो विटामिन ए ये रोडोप्सिन बनवाने में मदद करता है, अल्टीमेटली विजन में मदद करता है, और इसलिए इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। रेटिना से याद रखोगे, रेटिनोल, ये एक ट्रिक है। विटामिन ए विजन में मदद करता है, देखने में मदद करता है, आंखों में रेटिना होता है, पर्दा आंखों का, और उस पर्दे में केमिकल होता है रोडोप्सिन, और वो रोडोप्सिन जो है आपका, आपको लाइट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप देख पाते हो। ठीक है, तो रेटिना से आप याद रखोगे, इसलिए विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। तो विटामिन ए हमें विजन में मदद करता है, हमारी हेल्दी स्किन, बड़े लोगों को अपनी स्किन की टेंशन होती है, तो विटामिन ए ज़रूर खाएं। बहुत आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग टमाटर का वो लगाते हैं, पता नहीं, मुँह पे पेस्ट सा लगाते हैं, सो दैट टमाटो का पेस्ट लगाने से वो हेल्दी ग्लोइंग स्किन आती है।
तो वो टमाटो, दैट्स वाई, बिकॉज टमाटो में हमने देखा टमाटो सोर्स ऑफ वाइटामिन ए. तो हेल्दी स्किन मेंटेन, बॉडी की इम्यूनिटी, वाइटामिन ए इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है. वाइटामिन सी तो करता ही करता है. कोरोना चल रहा है इन दिनों, तो कोरोना में बहुत फैल गया था ये बात कि जी ये खाओ, लिमसी टैबलेट होती है मार्केट में, लिमसी के जैसे और भी वाइटामिन सी की टैबलेट्स खाओ बेसिकली, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी. तो ये वाइटामिन मिनरल्स इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. मेन इसका क्या है, वाइटामिन ए का मेन बता रहा हूँ, रेटिनोल इसका मेन नाम है, जो आपको चीज़ें याद रखनी है. सोर्स इसका आपको याद रखना है, सोर्स क्या रहता है, सोर्स टमाटो, कैरेट, गाजर और टमाटर, ये आपको मेनली सोर्स तो याद रखना ही रखना है. प्लस आपका विजन, ठीक है, आपको देखने में मदद करता है ये वाइटामिन ए, आपकी विजन में मदद करता है, हेल्दी स्किन में मदद करता है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो. अफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर ये कमी हो जाए तो अल्टीमेटली नाइट ब्लाइंडनेस, नाम से ये ब्लाइंडनेस दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मेनली कब नहीं दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा, ठीक है, रात को आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हम रात में भी देख पाते हैं जब लाइट चले जाती है, लाइट कम होती है, रात को लाइट नहीं ना होती है, डे लाइट नहीं होती, तो मून लाइट होती है, तो हमें मतलब इतना ब्राइट तो नहीं दिखती चीज़ें, बट दिखती है. बट जिनको वाइटामिन ए की कमी होती है उनको रात को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता. ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शंस होती हैं वाइटामिन ए की कमी से, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, मतलब ये नाक सूखेगा आपका, मुंह सूखेगा, क्योंकि नाक और मुंह में म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, नाक से भी निकलता है मुंह से भी निकलता है, तो वो ड्राई हो जाता है म्यूकस. मेन आपको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया, डार्क है. अब ज़्यादा वाइटामिन ए ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाइटामिन ए लेने पे लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है. देखो ज़्यादा लेने में भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हेयर लॉस हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, बोन एंड जॉइंट पेन्स, बोन हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. तो अच्छा, यहाँ पे एक फैट सोल्यूबल वाइटामिन डेफिनेशन लिखी हुई है. फैट सोल्यूबल वाइटामिन क्या होते हैं, रिटेन एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ओवर द टाइम. फैट सोल्यूबल वाइटामिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे फैट सोल्यूबल वाइटामिन फैट के साथ मिक्स होकर फैटी टिश्यूज में जो है वो रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में. फैट सोल्यूबल वाइटामिन स्टोर हो जाते हैं, मतलब ए डी ई के हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं, लेकिन बी और सी जो वाटर सोल्यूबल है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं. तो ये उसी की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, डैट्स इट. नेक्स्ट चलते हैं वाइटामिन डी पे, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरॉल. देखो साइंटिफिक नेम इन लोगों के भी है, इन लोगों के नहीं दिए इधर, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट मैंने देखा एग्जाम में, जो ज़्यादातर जिनके नाम बार बार आ रहे थे मैंने वो वहाँ पर डलवा दिया. तो वाइटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरॉल. ए का क्या था, रेटिनोल, डी का क्या है, कैल्सीफिरॉल. मेजर सोर्सेस क्या है, चीज, ठीक है, चीज डी, वाइटामिन डी जो है चीज, एग योक, फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, सनलाइट, ठीक है. इसलिए जब भी वाइटामिन्स की कमी होती है फिश लीवर ऑयल डॉक्टर बहुत रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए अल्टरनेटिव फिर दूसरी तीसरी चीज़ें रहती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वाइटामिन ए के केस में, चीज़ वाइटामिन डी के केस में, सनलाइट, बोलते हैं ना विटामिन डी लेने दो धूप में बैठो, तो सनलाइट से विटामिन डी बनता है. अब फंक्शंस क्या हैं इसके, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. बॉडी में जब आप कैल्शियम लेते हो, है ना, कैल्शियम एक मिनरल है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो कैल्शियम जब लेते हो तो कैल्शियम लेना ही इनफ नहीं होता है, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना, हमारी बॉडी बॉडी को लगना भी चाहिए कैल्शियम, मिलना भी चाहिए. तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है किसकी मदद से, विटामिन डी की मदद से. तो अल्टीमेटली इसलिए हम बोलते हैं विटामिन डी लो, हड्डियां मजबूत होंगी, धूप में हम बैठते हैं ना गर्मियों में सर्दियों में, तो इसलिए हड्डियां मजबूत होगी ताकि विटामिन डी मिले, ताकि विटामिन डी हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करे, और कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बोन्स बोन डेंसिटी स्ट्रांग होगी. देन बोन फॉर्मेशन, वही बोन फॉर्मेशन में हड्डियों में मदद करेगा. टीथ स्ट्रेंथनिंग, दांत मजबूत होते हैं विटामिन डी की मदद से. अब अगर इसकी हो जाए डेफिशिएंसी, तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, रिकेट्स. बच्चों में बीमारी हो जाती है रिकेट्स की. रिकेट्स में क्या हो जाता है, ऐसे बेंट पड़ जाते हैं हड्डियों में, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, बेंट पड़ जाते हैं हड्डियों में, रिकेट्स की बीमारियां. बच्चे रिकेट्स जिनको होता है वो चल नहीं पाते अच्छे से. और ब्रिटल बोन्स एडल्ट्स में, रिकेट्स जो टर्म है ये हम बच्चों में स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि रिकेट्स
जो बीमारी है वो बच्चों में स्पेसिफिकली हम ये टर्म यूज़ करते हैं, और बड़ों में जब विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं ब्रिटल बोन। दोनों का एक ही है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बट मतलब टर्मिनोलॉजी अलग है। बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ब्रिटल बोन। ब्रिटल ब्रिटल नाम से जो टूट जाए, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती कि थोड़ा सा भी अगर उनको प्रेशर लगेगा, कुछ लगेगा, हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है एडल्ट्स में कमी से, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए। अब अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड ऑफ कैल्शियम। देखो विटामिन डी ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका रोल ही क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाना, तो बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ने से अर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेट्रा, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। एडवर्स इफेक्ट्स टू मसल एंड हार्ट टिश्यू, मसल और हार्ट टिश्यू प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए। देन आता है विटामिन ई। मेजर सोर्सेज क्या हैं इसके, वीट, ग्राम, ठीक है, गेहूं वगैरह खाओ आप, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाओ, पाम ऑयल, सीरियल्स, नट्स, ठीक है। तो अब फंक्शंस क्या हैं विटामिन ई के, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं करने देते। अब देखो ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन जो ऐसी चीज़ है ना जो मतलब हमारी बॉडी में हर जगह रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं हमारी बॉडी के काफ़ी, जैसे सेल्स हैं, सेल्स की एग्जांपल देता हूँ आपको, सेल्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं ताकि हमारे सेल टूट ना जाएं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। वेल नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो ई है ये रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है आपके खून में, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड होता है। रेड ब्लड सेल्स ब्लड में आपके सेल्स होते हैं खून में, तो उनको बनाने में मदद करता है। प्रिजर्व हेल्दी मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका हेल्दी मस्कुलर सिस्टम मतलब आपके मसल्स अच्छे से डेवलप हों, नर्वस सिस्टम मतलब आपका ये जो ब्रेन, नर्व्स, ये अच्छे से डेवलप हो जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे अच्छे से डेवलप हो जाए, इन सब को प्रिजर्व करने में मदद करता है। मतलब हमारे वेस्कुलर नर्वस सिस्टम, इन सब की मेंटेनेंस का काम ये विटामिन ई करता है। विटामिन ई मिलेगा तो हमारे ये सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे। मेंटेन फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके मेल्स के केस में टेस्टिस, फीमेल्स के केस में ओवरीज, इनकी भी प्रॉपरली फंक्शनिंग चलती रहे, उसमें विटामिन ई मदद करता है। मेन इसका काम ये रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मेन ये दो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। इसकी डेफिशिएंसी से एक्स कॉमन एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है। एक्स कॉमन, अब ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म है, बोले तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो एक्स कॉमन इज एक एक्स एक फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर बॉडी में एक ना एक फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब एक समझ लो केमिकल होता है एक्स फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं, जिसके रिलीज होने से मतलब हमारी बॉडी में जो है वो मेंटेनेंस रहती है टिश्यूज़ की, ये सब की। अब ये एक्स कॉमन फैक्टर जब मतलब विटामिन ई ना हो, नहीं होगा तो एक्स कॉमन डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब एक्स फैक्टर हमारी बॉडी में नहीं बन पाता, और एक्स फैक्टर ना बनने की वजह से रिजल्ट्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग, बॉडी में बहुत जगह इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अंदर ही खून निकलना शुरू हो जाता है, खून बंद नहीं होता अब, ठीक है। फैटीक, थकान होने लग जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, थकान महसूस करते हो, स्लो वाउंड हील, वही मैंने आपको बोला ब्लीडिंग्स हो जाती है विटामिन ई की कमी से, वूंड जल्दी रिपेयर नहीं होता, आपको कहीं जख्म आ गया, चोट लग गई तो वो खून जल्दी नहीं रुकेगा, ठीक है, खून रुकना बंद नहीं होगा, जख्म जल्दी नहीं आएगा, टाइम लेगा वूंड हीलिंग। प्रीमैच्योर एजिंग, बूढ़े हो जाओगे जल्दी, जिन लोगों को अपनी जवानी से बहुत प्यार है तो विटामिन ई का खास ख्याल रखें, प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, झूलियाँ जल्दी बढ़ जाएंगी, तो विटामिन ई बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो फर्टिलिटी भाई, जब जैसे टेस्टिस है आपके स्पर्म्स अच्छे से नहीं बनेंगे प्रॉपरली, मेल जो है अपने स्पर्म्स नहीं बना पाएंगे, शुक्राणु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, फीमेल्स में अंडेदानी में अंडे नहीं बन पाएंगे ढंग से, या फिर मतलब बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम हो सकती है मेल या फीमेल दोनों के ही केस में विटामिन ई की कमी से। अब ज़्यादा ले लोगे विटामिन ई तो फैट सॉल्युबल विटामिन ओवरडोज, टॉक्सिक, मतलब सिंपल सी भाषा में कि मतलब ज़्यादा ले लोगे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है इसकी, बॉडी टॉक्सिक हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। विटामिन के पे चलते हैं, विटामिन के आपका ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है आपका,
ठीक है, हरी सब्जियों से, एग आपका, अंडे, योक्स, फिश लीवर, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल से, फिश से, लीवर से, इन सारी चीज़ों से विटामिन के मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक ही फंक्शन लिखा है, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में, मतलब जब आपका खून जमता है, मतलब जख्म आता है, जब चोट लगती है, जब खून निकलता है ना, खून निकलते निकलते जम जाता है, बंद हो जाता है खून निकलना, तो ब्लड क्लॉटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, जख्म आता है उसकी वजह से, ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो जख्म आना बंद हो जाएगा, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से बॉडी में अंदर अगर इंटरनल क्लॉट्स पड़ गए डेड हो जाओगे, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के, तो अल्टीमेटली आपको पता है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्लो ब्लड क्लॉटिंग होगी जिसकी वजह से खून प्रॉपरली नहीं, जल्दी जल्दी क्लॉट नहीं होगा, जिसकी वजह से जख्म जल्दी नहीं आएगा और आपको ब्लड लॉस हो सकता है, कभी आपको भगवान खुदा ना करे कभी इंजरी हो जाए तो आपका ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि हॉस्पिटल जाते देर ना हो जाए, ठीक है, तो ऐसा ना हो तो इसके लिए विटामिन के बड़ा ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा हो जाए अगर विटामिन के तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑन आरबीसी, आरबीसी प्रॉपरली नहीं बन पाते, एनीमिक कंडीशन हो सकती है, बेबीज़ ब्रेन डैमेज, बच्चों के दिमाग पर असर पड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन के उनकी डाइट में हो जाए तो बच्चों का दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए डी ई एंड के, चलते हैं वाटर सोल्यूबल पे। वाटर सोल्यूबल मैंने बताया दो तरह के, विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो विटामिन बी पे आ रहे हैं। विटामिन बी अब बहुत टाइप के होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है, हम सारे टाइप्स लेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन बी का जनरल फंक्शंस क्या है, सर्व्स एज कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स, ये कोएंजाइम्स की तरह बॉडी में बहुत काम करते हैं विटामिन बी। देखो कोएंजाइम क्या होते हैं, बॉडी में एंजाइम नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, चलो सिंपल भाषा में बताता हूँ, एंजाइम नाम की एक चीज़ होती है, बेसिकली एंजाइम और कुछ नहीं, प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको अलग से एक नाम दिया जाता है एंजाइम। सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स स्पेशल होते हैं जिनको नाम देते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम का क्या काम होता है बॉडी में, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करवाना, जैसे फूड को तुड़वाना अलग अलग। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना दोस्तों, मैं आपको वहाँ एंजाइम्स प्रॉपरली डिस्कस करूँगा, फिलहाल के लिए आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एंजाइम्स का। तो को एंजाइम, नाम से को, साथ साथ में काम करने वाले, तो विटामिन बी एंजाइम्स के साथ मदद करते हैं, जो मेन एंजाइम है उसको फंक्शन करवाने में मदद करते हैं विटामिन बी, तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, क्योंकि एंजाइम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके उस एंजाइम्स की मदद से आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चल रही है उसकी मदद से चल रही है, एंजाइम्स की मदद से। अब एंजाइम्स की फंक्शनिंग में कौन मदद कर रहा है, विटामिन बी, तो अल्टीमेटली विटामिन बी आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज चल रही है, केमिकल एक्टिविटीज, उन सब में मदद कर रहे हैं। अब विटामिन बी अलग अलग किस्म के होते हैं, सबसे पहले विटामिन B1, B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायामीन, आता है एग्जाम्स में इसलिए मैंने लिखा है थायामीन B1, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायामीन। कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन्स, मीट्स, ईस्ट या मिल्क से, होल ग्रेन से मिलता है, गेहूं वगैरह से, मिल्क से, दूध से, मीट से, ईस्ट हो गया, ईस्ट आपको जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, पाउडर जैसा होता है जिससे घर में मदर्स आपकी वो जो आटा नहीं फुला देती है, खमीरे बनते हैं जिससे हम बोलते हैं खमीरे, या आ कह लो भटूरे खाते हैं ना, छोले भटूरे, वो भटूरा वो फूले हुए बनते हैं ना, या फिर केक, यार केक ले लो, केक में यीस्ट पाउडर डलता है, केक फूलता है ना, तो यीस्ट पाउडर, यीस्ट की मदद से हमें विटामिन B1 मिल सकता है, ठीक है। विटामिन B2, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, किससे मिलता है, मीट, फिश, मिल्क, लीवर, ग्रीन वेज। इसलिए दोस्तों देखो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, मिल्क जो है काफ़ी जगह आ रहा है, मिल्क हो गया या फिर आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज है फूड के जो बड़े ही ज़्यादा, जिनको हम होल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, खासकर दूध, और कुछ पियो ना पियो, दूध ज़रूर रोज़ पियो, दूध में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, बहुत विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ मिल जाता है आपको इसमें से। तो विटामिन B2 भी आपको इन सारे सोर्सेज से मिलता है, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है, B1 का साइंटिफिक नेम का क्या था, थायामीन, B1 का साइंटिफिक नेम थायामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नायासिन, जो भी प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, तो B1 का थायामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या नायासिन। तो अब ये सारे ही आपको इन सारे सोर्सेज से मिलेंगे, मीट मोस्टली, यीस्ट, पोटैटो, मिल्क वगैरह,
अभी ये सारे ही विटामिन B1 मैंने आपको बोला एज को एंजाइम काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनको फंक्शन करवाने में मदद करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में मदद करते हैं ये विटामिन बी जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़वाने में मदद करता है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि विटामिन से एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन एनर्जी दिलवाने में मदद करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करवाने में मदद करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये नहीं होंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगा, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो B1 की डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी नर्व डिजनरेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, जिसमें आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंट डिफरेंट इसके सिम्टम्स हैं, थकान होना, पेन होना बॉडी में, जॉइंट वगैरह पेन होना, क्रैम्प्स पड़ जाना, या फिर मतलब आप हाथ नहीं मूव कर पाते, कई लोग हाथ हाथ मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होना बॉडी के, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के मानसिक संतुलन में प्रॉब्लम हो जाना बेरी बेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो सकती है। B2 की डेफिशिएंसी से आपको ड्राई क्रैक स्किन, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, सूखी पड़ सकती है, क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए विटामिन B2 लीजिए जिन लोगों को अपनी स्किन की बहुत प्रॉब्लम है। माउथ सोर्स, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, पुअर ग्रोथ, ग्रोथ में आपकी कमी आ सकती है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पैलेग्रा, पैलेग्रा में सिम्टम्स क्या रहते हैं, स्केली स्किन सोर्स, डायरिया, डिल्यूजन, डिल्यूजन इंसान जो होता है ना कन्फ्यूजिया जाता है, हाँ डायलॉग है ना, कन्फ्यूजिया जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाता है इंसान, उसको खुद समझ उसको रियलिटी में और एक सपने में फ़र्क ही नहीं समझ आता है, वो अपनी ही दुनिया में गुम हो जाता है, डिल्यूजन प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। सोर्स, छाले पड़ जाते हैं स्किन पे, स्किन ड्राई हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, डायरिया हो जाता है, मतलब डायरिया क्या होता है, पोटी आना, बहुत ज़्यादा पोटी आती है, मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता कोई, वाटरी स्टूल आता है, पोटी जो बहुत पतली आती है और बहुत फ्रिक्वेंटली आती रहती है, तो उससे भी आप परेशान हो जाओगे, आधे घंटे में आपको 2 बार वॉशरूम जाना पड़े अगर, तो ठीक है। देन आ जाता है विटामिन B3, मतलब सारे लिविंग सेल्स में जो है ये B3 मिल जाएगा आपको, प्लांट्स खाओ, एनिमल प्रोडक्ट खाओ, कुछ भी खाओ B3 आपको मिल जाएगा, सॉरी B3 नहीं, इट्स B5, सॉरी B3 तो हमने पहले डिस्कस किया, B3 का साइंटिफिक नेम क्या था, नियासिन था ना, B1 B2 B3 हमने डिस्कस कर दिया, B3 के बाद B4 नहीं है कोई, B5 है, B5 आपको एनिमल सारे सेल्स में से मिल जाएगा B5 इजीली। मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, फंक्शन इसका क्या, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की डाइजेशन, बॉडी में एब्जॉर्प्शन, इन सब में मदद करता है कौन, B5, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इधर लिखी नहीं है बट मैं आपको जनरली बता देता हूँ, देखो खुद ही सोचो फंक्शन से इसकी डेफिशिएंसी आपको समझ आ जाएगी। अगर ये इसका फंक्शन क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब की ब्रेक डाउन करवाने में, डाइजेशन करवाने में मदद कर रहा है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली इन सब के मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली बॉडी में नहीं हो पाएगा। B6 लिवर, फिश, सीरियल्स, मीट, ठीक है ना, B6 इन सब से मिलता है ये सोर्स है, लिवर, फिश, सीरियल्स, मीट, मतलब आपके लिवर में प्रोड्यूस हो जाता है, फिश, सीरियल्स, मीट इन सब में से मिल जाता है, ये भी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में 10 बार बोल चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, पिछली से पिछली मेरी जो पहली वीडियो आई हुई है उसमें बताया हुआ मैंने मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटी चल रही है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटी चल रही है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन का टूटना, फैटी एसिड्स का टूटना बनना, इनका टूटना बनना जो भी चल रहा है बॉडी में वो सब इसकी मदद से होता है, B6 की, B5 की, ठीक है। प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ RBC, RBC की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये लोग, ठीक है। तो RBC अकेला एक ही चीज़ से नहीं बन जाता, जैसे हमने RBC की फॉर्मेशन में पहले भी पढ़ा, RBC को बनाने में कौन मदद कर रहा है हमारा, है ना, RBC को